अशोक अंकल बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली वन वीक हो गया आज ही के दिन, बड़े में छोटे में रिलीज हुई थी और मैदान रिलीज हुई थी, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक 50 करोड़ भी नहीं कर पाई है दोनों फिल्में, और दोनों फिल्मों को लग गया है टैग डिजास्टर का। इसमें क्या कहना चाहोगे, आखिर क्यों नहीं चल पाई है मूवी सर? तो अभी ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस को माउथ पब्लिसिटी अच्छी मैदान की मिलने के बाद भी पब्लिक नहीं आई, और अक्षय कुमार को भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला था, 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव मिला था पब्लिक का रिव्यू, मिक्स रिव्यू था। तो फिर भी जो पॉजिटिव वाले उनको सिर्फ पब्लिक नहीं आई, पता नहीं लगा क्या है, शायद ऐसा हो सकता है आईपीएल का मैच भी हो, मैच चालू है कंटिन्यू आईपीएल का, आईपीएल की वजह से हो सकता है, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम की हो सकता है, कुछ आदमी इधर उधर हो गए उसके लिए भी हो सकता है, गाँव गए, कुछ स्कूल का छुट्टी हो गया, तो यानी कुछ ऐसे बहुत कारण हो सकते हैं। फिल्मों के बारे में जैसे मैदान, अगर समझो हम एक बार इसकी बात करें अक्षय कुमार की फिल्म की, चलो एक बार मान लेते उसके ज़्यादा ये था करके पब्लिक मिक्स रिव्यू था, इसके लिए शायद ऐसा हो, लेकिन मैदान के तो पॉजिटिव में जितने भी रिव्यू देखा मैं सबके पॉजिटिव रिव्यू थे, फिर भी पब्लिक नहीं आई। अब उसका शायद ऐसा भी हो सकता है भाई, स्पोर्ट्स की जो होते ना, स्पोर्ट्स की वजह से शायद पब्लिक भी ना, मतलब पब्लिक आई नहीं होगी, और जो आई है पब्लिक वो शायद अजय देवगन के लिए फिल्म आई होगी, यानी अजय देवगन को देखने के लिए आई होगी, उसकी एक्टिंग देखने का आई होगी। क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था आपकी, इतने गंदा तरीके से कमाई करेगी, 50 तक नहीं कर पाएगी ये दोनों? देखो कैसा है, जहाँ 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 रोशनी वहाँ अंधेरा है, ऐसा हिसाब है, कभी कभी किसी किसी को भुगतना भी पड़ता है। अब पब्लिक की ऑडियंस है, ऑडियंस को झटका देगी, कभी कौन सी फिल्म को बोल नहीं सकते, और ये ऑडियंस ने झटका दिया हुआ है, बाकी और दूसरा कुछ इनका कारण नहीं है, क्योंकि दोनों एक्टर ने अच्छा काम किया, उसमें भी अक्षय कुमार ने चाहे और चाहे अपना टाइगर ने, और इसमें भी अजय देवगन ने, काम उनका एक्टर लोगों का अच्छा है, और वो फिल्म में ज़्यादा खर्चा है, इसके अंदर ज़्यादा एक्टिंग अच्छी है, दोनों फिल्में में ऐसा है, लेकिन फिर पब्लिक ऑडियंस नहीं है तो क्या कर सकते, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है पूरा चीज़, बोल सकते एक तरीके से ऑडियंस ने इग्नोर किया पूरी मूवी। या यही हो सकता है, ऑडियंस ने शायद इग्नोर किया होगा, बस ये बात हो सकती है। क्या मतलब कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी अक्षय कुमार और टाइगर से कि यार ये दोनों का एक बहुत बड़ा कमबैक होगा, क्योंकि उनकी जितनी भी पिछले फिल्में नहीं चली है, तो अब क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी फिल्म नहीं चल पाई तो आगे क्या फ्यूचर क्या होने वाला है? नहीं फ्यूचर नहीं, देखो फिल्म में ये एक्टर होंगे ना, 50% फ्लॉप होती है, 50% हिट होती है, लेकिन इनको एक हिट फिल्म का ज़रूरत होती है बस, यानी एक हिट फिल्म देते तो 10 पिक्चर का वो क्लियर कर देते वो लोग, ये चाहे कोई भी एक्टर हो, टाइगर हो, अक्षय हो या अजय देवगन हो, अजय देवगन को नहीं चल रही है उसकी तो, और ये भी शायद अजय देवगन स्लोली चल रही है, मैंने पहले कहा था अजय देवगन बड़ा ये ओपनिंग बड़ी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती है, वैसे कोई बड़ी फिल्म आ भी नहीं रही है, पब्लिक ऑडियंस हो इसको थोड़ा थोड़ा देखेगी। क्या बात है, मतलब कि अभी अक्षय कुमार के ये साल दो फिल्में और आने वाली है, तीन फिल्में, एक आ रही है जुलाई में जिसका नाम है सरफिरा, फिर आ रही है 2 अक्टूबर को स्काई फोर्स, और एंड दिसंबर में आ रही है वेलकम थ्री, तो क्या एक्सपेक्टेशन है ये तीनों फिल्में से कि अक्षय कुमार कौन सी फिल्म से ऐसा लग रहा है आपको कि कमबैक कर सकते हैं? भाई बोल नहीं सकते भाई, ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस क्या चाहती है, कौन सी फिल्म को सर पे उठा के लेगी, ऑडियंस के ऊपर है, और ऑडियंस मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसका, ताश का इक्का होता है, वो किसी भी पता मतलब सपोर्ट कर सकता है वो। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।